आज हम लोग लहसुन और घी के बारे में बात करेंगे। लहसुन और घी का अलग अलग फ़ायदा तो है, लेकिन लहसुन अगर घी को अगर आप एक साथ मिलाकर खाते हो तो इससे आपके शरीर को क्या क्या फ़ायदा हो सकती है। आमतौर पर लहसुन का इस्तेमाल रसोई में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। वहीं घी के बारे में लोग कई गलत धारणाएँ पालते हैं। घी खाने से वजन बढ़ जाता है, अपच गैस एसिडिटी होती है, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और हार्ट खराब हो सकता है। लेकिन आज हम लोग घी और लहसुन खाने से हमारे सेहत को कितनी किस्म का बीमारी से दूर रख सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो लहसुन में कई तरह का विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलेनियम और कई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा लहसुन एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल होते हैं। वहीं घी की अगर बात करें तो घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का फैट और विटामिन ए, विटामिन के मौजूद होते हैं। तो इतना सारा पोषक तत्व होने के कारण अगर लहसुन और घी को अगर आप एक साथ मिलाकर खाते हैं तो इसका फ़ायदा दोगुना हो जाता है। लहसुन और घी को एक साथ मिलाकर खाने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है हमारे ब्लड वेसल को, क्योंकि लहसुन में मौजूद एलिसिन हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, इसका लचीलापन को बरकरार रखता है, जिससे आपका ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इम्प्रूव होते हैं। और लहसुन और घी को एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होते हैं, जिसके कारण आपका हार्ट लंबे समय तक स्वस्थ रहता है, अच्छे से काम करता है। लहसुन और घी एक साथ खाने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जगह खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है, साथ ही अच्छी कोलेस्ट्रॉल एचडीएल की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप वजन को कंट्रोल में करना चाहते हो तो लहसुन और घी एक साथ खाने से आपका वजन बेहद कम समय में घट सकता है, क्योंकि इसे खाने से आपका स्टोमाक लंबे समय तक फुल रहता है, आपको भूख कम लगती है और ज़्यादा आप खाना नहीं खाते हो, जिसकी वजह से ओवरऑल कैलोरी इंटेक घट जाती है। अगर आपको बाद बाद में सर्दी खांसी जुकाम होती है तो भी आपको लहसुन के साथ घी लेना चाहिए, क्योंकि इसे लेने से आपका इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। साथ ही लहसुन एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल होने के कारण आपको छोटी मोटी बीमारी से लेकर गंभीर बीमारी तक नहीं होती। लहसुन और घी को एक साथ खाने का और एक ज़बरदस्त फायदा है, ये हमारे हड्डी को मजबूत करने का काम करता है। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट लहसुन और घी को एक साथ भून के अगर ले लेते हो तो इससे आपको आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गठिया जैसी बीमारी कम होती है, आपका हड्डी मजबूत बनता है और जोड़ों में सूजन कम होती है। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, खाने को पचाने में दिक्कत हो रही है, तो भी आप लहसुन और घी को एक साथ खा सकते हैं। यह हमारे पाचन में सुधार करके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। दोस्तों, आमतौर पर सर्दी के मौसम में सांसों से जुड़ी समस्या ज़्यादा पैदा होती है। सर्दी खांसी जुकाम लगती है, बलगम पैदा होती है, सांस लेने में तकलीफ होते हैं। अगर ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करना है, मजबूत करना है, तो घी के साथ आप लहसुन को भूनकर ले सकते हैं। इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो भी आप लहसुन के साथ घी को जरूर ले, क्योंकि लहसुन और घी दोनों में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपके आँखों की रोशनी को लंबे समय तक ठीक ठाक रखता है और आँखों से जुड़ी कोई भी बीमारी आपको नहीं होती। लहसुन को घी के साथ लेने से डायबिटीज़ के मरीज को भी काफ़ी फ़ायदा होती है, क्योंकि लहसुन और घी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ना के बराबर होती है, जिसके कारण ये हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, और साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट ना होने के कारण आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऊपर की तरफ नहीं जाने देता, जिसकी वजह से आसानी से डायबिटीज़ का मरीज अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो आप ज़रूर घी के साथ लहसुन का सेवन करें। तो लहसुन और घी को एक साथ लेने का इतना सारा फायदा है, अगर आप नहीं लेते हो तो आप ज़रूर ले। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आप घी ज़्यादा मात्रा में ना सेवन करें, क्योंकि घी में कैलोरी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपको एसिडिटी, गैस, अपच भी हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।